नमस्कार दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम प्रजापत स्वागत करता हूँ आपका K2S न्यूज चैनल में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सवाई माधोपुर जिले की तहसील गंगापुर सिटी में ग्राम छाबा स्थित डोंगरी वाले गणेश जी के मंदिर पर पोस्ट बड़ो का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के सरपंच सहित गांव के अन्य लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं संवाददाता की एक रिपोर्ट। ये पोस्ट बड़ा है गणेश जी धाम पर, ये पहली बार किया है। यहाँ पर बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ रास्ता नहीं था, इसका रास्ता सही कराया है लोगों के आसपास के गांव वालों सबके सहयोग से, ग्राम पंचायत के सहयोग से पोस्ट बड़ा का आयोजन रखा गया है। पोस्ट बड़ा का प्रोग्राम पंचायत में गणेश मंदिर में बुधवार का दिन है और अच्छा दिन है। और ये मंदिर एक शांत वातावरण एकांत जगह पर मंदिर है, तो इसमें क्या कि सभी गणेश भक्तों की रुचि के लेकर और ये पूछड़ा का प्रोग्राम रखा गया है। इसमें सभी भाइयों का अच्छा सहयोग रहा और हम चाहेंगे कि ऐसा ही सहयोग बना रहे और ये मंदिर और तरक्की करे। रामगंज मंडी के मोड़क स्टेशन कस्बे में स्टार क्रिकेट क्लब के सानिध्य में प्रथम तहसील स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ मोड़क सरपंच प्रीति कुमारी द्वारा फीता काटकर किया गया। सभी अतिथियों का स्टार क्रिकेट क्लब के द्वारा माला बसापा पहनाकर स्वागत किया गया। पहला मैच अदनान 11 व लक्ष्मीपुरा के बीच खेला गया, जिसमें अदनान 11 ने शानदार जीत दर्ज की। आइए देखते हैं संवाददाता की एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के खो गांव की राजकुमारी पीएम मोदी से संवाद कर बेहद गौरवान्वित महसूस कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकुमारी से आवास की धनराशि की जानकारी ली और शुभकामनाएं दी। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण महिला का कहना है कि आज तक कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिला है, मैं झोपड़पट्टी में रहती हूँ। वहीं पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय का कहना है कि मुख्यमंत्री ने 6,10,000 लोगों के खातों में सीधा पैसा ट्रांसफर किया है। उन्होंने लगभग 5 जिलों के लाभार्थियों से भी सीधा संवाद किया है। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। कमी है सरकार, बहुत कमी है। अगर आपका घर बहुत अच्छा बन जाए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आप बच्चों को जरूर पढ़ाइए। कुछ नहीं मिला था, सरकारी लाभ कुछ नहीं मिला है। आवास के लिए मैं 2 साल से दौड़ रही हूँ। अब पति के नाम शौचालय था, मेरे नाम आवास था, तो आवास नहीं मिल दिया गया है। शौचालय पति के नाम के काट के और मेरे लड़का के नाम मिल दिया गया। तो पति है तो पति मुझसे गुस्सा था कि अपने हक के लिए नहीं लड़ती हूँ और मेरा हक छीन ली ने, हमारे घर में लड़ाई करवा दी ने। आपने किसी अधिकारियों से बात करी है? अधिकारी से बात की है, बाबा कह रहे हैं कि हाँ चल रहे हैं देखने के लिए और निकल गए बाढ़ के। आज अभी प्रधानमंत्री जी आपके यहाँ बात किए हैं आवास को लेकर के, तो आप क्या कहोगे इसमें? हम बात की है, नहीं गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ब्लॉक चित्रकूट धाम करवी की श्री राजकुमारी जी से बातचीत किया है और उनको प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रथम किश्त की धनराशि स्थानांतरित हुई है और उन्हीं के साथ साथ जनपद में 5,044 अन्य जो लाभार्थी हैं उनके खाते में भी प्रथम किस्त की धनराशि स्थानांतरित की गई है। और हम लोगों का यह प्रयास है कि ये जितने भी आवास हैं अच्छे तरीके से और समय से पूर्ण हो जाए। मंत्री जी 6,10,000 लोगों के खाते में सीधा पैसा ट्रांसफ़र किया, इसमें करीब 5,30,000 वे लोग हैं जिनको पहली किस्त मिली है और 80,000 हुए लोग हैं जिनको एक किस्त मिल चुकी, दूसरी किस्त मिली है। तो उन्होंने स्वयं उनके खातों में ट्रांसफ़र भी किया और संवाद भी किया, ऐसे लाभार्थियों से उन्होंने बात भी किया, करीब 5 जिले के लाभार्थियों से। और आज पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जो लाभार्थी हैं आवास के उनके खातों में पैसा ट्रांसफ़र किया। अपने उत्तर प्रदेश में करीब 22 लाख लाभार्थी हैं जिनको आवास मिलना है, जिसमें 14 लाख लोगों को अब तक मिल चुका है।
और आज करीब नए लाभार्थी 5,30,000 को ट्रांसफर हो गया। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे लाभार्थी चिन्हित किए गए थे लगभग सभी के खाते में आज पहली किस्त का पैसा ट्रांसफर किया गया है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में इंटरनेशनल पायनियर्स क्लब के द्वारा सर्दी को देखते हुए कंबल वितरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गायत्री शक्तिपीठ चित्रकूट के संचालक रामनारायण त्रिपाठी रहे। इन्होंने बताया कि यह क्लब सही मायने में गरीबों के बीच में पहुंचकर जरूरत के हिसाब से लाभ पहुंचाने का कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम में सैकड़ों बुजुर्ग महिलाओं व पुरुषों को कंबल व गर्म कपड़े वितरित किए गए। आइए देखते हैं संवाददाता की एक रिपोर्ट। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव शिवहरे जी के नेतृत्व में ये सारी टीम यहाँ पर सेवा करने के लिए आई है। ये वो बिहड़ आदिवासी इलाका है, उनका सम्मान करते हुए हम लोगों को बड़ा गौरव। मध्य प्रदेश का एक बहुत ही अति पिछड़ा इलाका है बटोही गांव, जहाँ के आदिवासियों की बस्ती है। वहीं जाकर इंटरनेशनल पायनियर्स क्लब द्वारा कंबल एवं ऊनी वस्त्र बांटे गए और साथ ही उन लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का उपाय बताया गया। साथ ही उनसे कहा गया कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए ताकि ये अपना स्वयं रोजगार कर सकें। यहाँ चूँकि किसी प्रकार का कोई संसाधन नहीं है तो लोग पहुँच नहीं पाते और यहाँ बहुत ही पिछड़ा इलाका है, यहाँ पर आने की आवश्यकता। यहाँ तमाम मूलभूत सुविधाएँ ऐसी हैं जो यहाँ नहीं हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि समय समय पर यहाँ पर इन लोगों की मदद करें।